आज मैं आपको किसी भी महीने की 14 तारीख को पैदा होने वाले व्यक्तियों के बारे में बताती हूँ। क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ 14 तारीख है, यानी कि किसी भी महीने की 14 तारीख को आप पैदा हुए हैं? अगर हाँ, या फिर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में कोई भी 14 तारीख को हुआ है, या फिर आपके कोई दोस्त 14 तारीख को है, तो आज उनके प्रोफेशन या फिर आपके प्रोफेशन, आपकी पर्सनालिटी, आपकी बिहेवियर और साथ में आपके लिए क्या लकी नंबर्स हैं, क्या लकी डेट्स हैं, क्या लकी कलर्स हैं, इनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपके अपने प्यारे शो को। देखिए, जो नंबर 14 होता है ना, वो उसका जो स्वामी ग्रह होता है वो बुध होता है। इन ग्रहों को जो है ना, सभी ग्रहों में से राजकुमार माना जाता है, यानी कि हर ग्रह इस ग्रह से बहुत ही कंपैटिबल होता है, फ्रेंडली होता है। ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इन्हें हर तरीके की नॉलेज लेना बहुत पसंद होता है, साथ में इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना, वो भी बहुत बेटर होती हैं। आइए जानते हैं इनकी पर्सनालिटी के बारे में, कि इनकी पर्सनालिटी कैसी होती है। तो देखिए, ये लोग ना काफ़ी फैशनेबल होते हैं। ये लोग दिखने में बहुत लंबे लंबे होते हैं, इनकी आंखें बहुत मोटी मोटी होती हैं, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, इसलिए इन लोगों को चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ये हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहते हैं और लोग हमेशा इनको जो है अपनी लाइफ में लाने के लिए हमेशा ट्राई करते हैं। तो आइए जानेंगे अब इनकी रेमेडी के बारे में, कि क्या रेमेडी इनके लिए बेस्ट रहती है। तो अगर आप भी अपनी पर्सनालिटी को बेटर करना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, आपको गरीब लड़की की को जो है भोजन ज़रूर कराना चाहिए। आपको इससे दुआएं भी मिलेंगी और साथ में आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें जो है डेफिनेटली सुधार आएगा। तो आइए बात करते हैं इनके बिहेवियर के बारे में, इनका बिहेवियर कैसा होता है।